नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी, इजली डाइजेस्ट, बिना चीनी, गुड़, घी वगैरह के और बिना आग पर चढ़ाए ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाना बतलाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको जो लड्डू बताने वाली हूँ वो कोई भी खा सकता है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो, जिनको डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं, उनके लिए भी ये लड्डू बिल्कुल सुपाच्य है। पता है दोस्तों, मैं आपको जिस तरह से लड्डू बताने वाली हूँ वो बहुत ही हेल्दी कैसे है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो अगर हम सीधा खा लेते हैं हमारा शरीर उसे पचा भी नहीं पाता है। तो चलिए मैं आपको लड्डू बनाने का तरीका बतलाती हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बहुत झटपट बनने वाला ड्राई फ्रूट्स का लड्डू। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल है उन सब से लड्डू बना सकते हैं और बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर। आज तक आपने इस तरह के लड्डू नहीं खाए होंगे, स्वादिष्ट भी होता है और एकदम हेल्दी। आपके शरीर में आपने जो खाया है वो लगना चाहिए वैसा लड्डू मैं आपको बतलाने वाली हूँ। इसे आप रॉ ड्राई फ्रूट्स लड्डू भी कह सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल है, यहाँ ड्राई फ्रूट्स की कोई लिमिट नहीं है, जो भी अवेलेबल है उन सब को पानी में भिंगो दें। मैं इसे रोज बनाती हूँ इसलिए मैं आपको जो घर में अवेलेबल है वो कह रही हूँ लेने के लिए। ये कच्चा नारियल है, उसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये बादाम है, काजू है, अपने मन मुताबिक जितना लेना है ले सकते हैं। ये खजूर है, ये सूखा खजूर को मैंने पानी में भिंगो कर रखा है, ये अच्छी तरह से फूल चुका है। ये मूंगफली है, उसे भी मैंने पानी में भिंगो कर रखा है 3 से 4 घंटे, ये भी फूला हुआ है। किशमिश को भी पानी में भिंगो कर रखा है, ये भी फूला हुआ है। सभी चीज़ फूला हुआ है, ये केवल एक कच्चा नारियल है। अब करना क्या है, इन सभी को पीसना है पानी से निकाल कर। केवल हम एक अंगूर को नहीं पीसेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो चाहे तो पीस भी सकते हैं। मैं थोड़ा पीस दूंगी, थोड़ा ऐसे ही छोड़ दूंगी। बादाम को छिलका हटाकर पीसना है, खजूर के बीज निकाल कर पीसना है। तो पहले मैं खजूर के बीज निकाल लेती हूँ और बादाम के छिलके हटा लेती हूँ। अभी इन सभी चीज़ों को पीसना है। अगर ये मैंने तो सूखा खजूर, जिसे कि हम छुहारा भी कहते हैं, वो लिया है, उसे फुला भिंगो लिया है तो 5 से 6 घंटे, लेकिन हम चाहें तो डेट्स भी ले सकते हैं, कोई सा भी, लाल वाला, काला वाला, कोई भी। इसके भी बीज निकाल लेंगे और इसे ऐड करेंगे लड्डू में, क्योंकि हमें इसे खजूर से ही मीठा करना है तो हम इसमें अपने मन मुताबिक खजूर भी डाल सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हाँ इतना में इतना ही डालना है। मीठा अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, खजूर की मात्रा हम अपने मन मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपने मन मुताबिक ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों को लेकर इस तरह से सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। किशमिश में थोड़ा सा पीसने में डाल रही हूँ, थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा छुहाड़ा। छुहाड़ा में बहुत सारा लूंगी मैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालूंगी लेकिन छुहाड़ा ज्यादा लूंगी कुछ, क्योंकि मुझे मीठा इसी से करना है। अब ये तो अच्छी तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है, ये बहुत ही हेल्दी लड्डू है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे, हरी इलायची का पाउडर डालकर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं तो इस लड्डू को बनाकर बस एक दिन में ये खत्म हो जाता है इतना। इसे चाहे तो बनाकर 2 दिन रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बाहर तो नहीं रख सकते, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, क्योंकि ये कच्ची है तो इसे हम बाहर नहीं रख सकते।
2 दिन आप इसे खा सकते हैं बनाकर, लेकिन रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। इसमें हर चीज मौजूद है, आपको जो भी चाहिए सारे मिनरल्स विटामिन्स इसमें मिल जाते हैं। बहुत हेल्दी लड्डू है ये। अच्छी तरह से इसे सान लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो फूला हुआ किशमिश है इसे लड्डू के बीच में इस तरह से रख देंगे और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इतना हेल्दी लड्डू शायद आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। ये बहुत हेल्दी है और इजीली डाइजेस्ट। इसे डाइजेस्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि ये कच्ची है। कच्ची चीजों को हम बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसे छोटे से छोटे बच्चे को दें, बड़े बुजुर्ग जिन्हें भी दे सकते, किसी को भी दे सकते हैं। सभी लोग इसे बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। कच्चे चीजों को खाने का यही फायदा है। इस तरह से सारे लड्डू तैयार करके रख लेंगे। अब इस तैयार लड्डू को इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा तैयार कर लिया है, उसमें इस तरह से इसे लपेट देंगे सारे लड्डू को। इस तरह से बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और इजीली डाइजेस्ट ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार किए जाते हैं। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।